Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. मैं विकास श्रीवास्तव, आज की इस वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर टू। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीडियो में बने रहिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। किसी एग्जाम को आप चुटकी बजाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे क्वेश्चन इजिली निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम में और ढेर सारे जीके क्वेश्चन और भी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस बैंक की कब स्थापना हुई, साथ ही साथ अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण चीजें कहाँ पाई जाती हैं, किस सन में किसका निर्माण हुआ, यही सब आज के टॉपिक्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन है विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पाद में भारत का स्थान। जो समुद्री मत्स्य उत्पाद है सारे देश करते हैं, तो समुद्री मत्स्य उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पहले स्थान पे, दूसरे तीसरे स्थान पे। तो इसका वास्तव में भारत जो है छठा स्थान पर है, छठवें स्थान पे मत्स्य उत्पाद में विश्व में भारत का छठवां स्थान माना जाता है। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन है मोती देने वाली मछलियां कहां पाई जाती है। सोचिए, मोती, ऐसी मछलियां जो मोती प्रोड्यूस करती हैं वो कहां पाई जाती हैं, पल्स देने वाली। तो पल्स देने वाली मछलियां जो है मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी ऐसा प्लेस है जहां मोती देने वाली मछलियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं, जो समुद्र में मछलियां जहां समुद्री मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं उस जगह का नाम है गुजरात, गुजरात राज्य में वहीं से पकड़ी जाती हैं और पूरे इंडिया में साथ ही साथ बाहर भी सेल की जाती हैं। तो सबसे ज्यादा मछलियां समुद्री कहां पकड़ी जाती हैं, गुजरात में। आपके भी दिमाग में रहा होगा, ये लोग कहते हैं ये बर्फ वाली मछली है, ये मछली वो मछली बाहर से आती है, तो कहां से आती है, मैक्सिमम गुजरात डिस्ट्रिक्ट से आती है। ऐसे अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई। भारत में आपने देखा है स्टेट बैंक, मद्रास बैंक, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे बैंक है, सबसे पहले भारत में किस बैंक का स्थापना हुआ, तो इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में बनाया गया, 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे और भी बैंक हैं, सबका स्थापना दिवस हम लोग जान लें, जैसे बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ, 1806 ईस्वी में, 186। और ऐसे बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई, 1840 में, 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, 1843 ईस्वी में। ऐसे इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, 1865 ईस्वी में। तो ये है 1770 में हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, उसके बाद बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे आया और फिर उसके बाद आया बैंक ऑफ मद्रास। इस तरह से जो है कुल बैंक का स्थापना हुआ बारी बारी से। ठीक, अगला ऐसे है टॉपिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना कब शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह अपना कार्य कब स्टार्ट की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में अपना कार्य करना प्रारंभ किया, 1 अप्रैल 1935 में। फिर ऐसे नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 और 1000 के नोट कहां छापे जाते हैं, इनकी प्रिंटिंग कहां होती है, 5 रुपए से लेकर 1000 तक के नोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 5 रुपए, 10 रुपए, 500 और 1000 के नोट कहां छापे जाते हैं। मुद्रा हम आप हर कोई यूज करता है नोटों का, लेकिन कहां छापे जाते हैं ये हमको आपको पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जानने के बाद आज के बाद आप भी जान जाएंगे। तो ये नोट छपते हैं करेंसी नोट जो भी होते हैं ये प्रेस नासिक रोड पर छपते हैं, जितने भी करेंसी नोटे हैं ये कहां छपती है, प्रेस नासिक रोड, ये नाम है उसका, करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड पर। अगला है गांधीवाद योजना का सृजन किसने किया था। तो अब नोट और बैंक से हटकर हम गांधीवाद का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधीवाद योजना का सृजन किसने किया था, तो इनका नाम था मन्ना रायण जो थे उन्होंने गांधीवाद का सृजन किया था। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था के रिलेटेड और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ।
स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद भारत में औद्योगिक नीति सबसे पहले कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1948 में। जैसा कि आप लोग को पता है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन जब औद्योगिक नीति बनाई गई और इसको अनाउंस किया गया तो 1948 ईस्वी में। ये क्वेश्चन टिपिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक नीति का स्टार्टिंग कब हुआ। फिर है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। हरित क्रांति जो है कृषि के क्षेत्र में इस क्रांति का बहुत नाम आता है, तो इसे भारत में कब पारित किया गया? तो ये है 1966 से 67 के बीच, 1966 से 1967 तक इस ईस्वी में। साथ ही साथ योजना अवकाश के दौरान इसको लाया गया, जब योजना अवकाश चल रहा था, योजना का निर्माण चल रहा था, बीचों में जब जो गैप था उस समय इस नीति को लाया गया था, हरित क्रांति को उस समय लाया गया था 1966 से 1967 के बीच, इसको अलाउ किया गया था। ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कौन हुआ? केसीसी होता है ना किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जाने, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? जो ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जस्ट और करेक्ट लोकेशन है जयपुर, जयपुर में ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था सिट्यूटेड है। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत आता है ये तो क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछता है, बौछार कर देता है इसका कि एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है। इसका राइट आंसर है वित्त सचिव के, जो वित्त सचिव होते हैं अपने देश के भारत के, एक रुपए के नोट पर उन्हीं का हस्ताक्षर रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से जान ले वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? कि कागज का मुद्रा पूरे देश में हाँ यही जारी रहेगा, यही चलेगा, यह अधिकार किसके पास होता है? यह अधिकार आरबीआई के पास होता है। आरबीआई जो है पूर्ण रूप से यह अधिकार रखता है कि वो कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, किसके अकॉर्डिंग अच्छे से चलती है, कहां से इसको ज्यादा गेन प्राप्त होता है? वो है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र सर्विस एरिया एक ऐसा एरिया है जहां से भारतीय आय का मुख्य स्रोत प्राप्त होता है, या इसी को मुख्य स्रोत मानते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।